से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग साइंस के चैप्टर्स का चर्चा करेंगे जो है स्पेशली 10 क्लास के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और धीरे धीरे करके सबको समझाएंगे और आराम से समझना है, कोई एकदम फिक्र की बात नहीं है। अब साइंस का हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए आते रहेंगे। आज हम लोग बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि अनुवांशिक का मानव कल्याण में क्या मुख्य योगदान है, इसके बारे में, या अनुवांशिकता का मानव कल्याण में क्या संबंध है इसको बताएं। देखिए, अनुवांशिक मतलब क्या होता है? अनुवांशिक जब किसी चीज के अंश को किसी नए जीव में डाला जाता है तो ये अनुवांशिकता कहलाता है। मतलब उसके गुणों को, उसके बोलचाल, उसकी रचना, उसका संरचना, उसकी हर क्रिया विधि को किसी दूसरे जीव में डालना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। अब अनुवांशिकता मतलब इसको और थोड़ा जनरल जानते हैं। देखिए, अनुवांशिकता क्या होता है कि मान लीजिए कि पहले के टाइम में क्या होता था कि हमारी फसलें उतनी ज्यादा बचती नहीं थी। जब किसान लगाता था खेतों में तो वो जल्दी ज्यादा पोषण वाला नहीं होता था और जो भी होता था वो बचा कुचा अगर एक बीघा में लगाया तो उसको अच्छा से अनाज नहीं मिल रहा है और किसान का खर्च ज्यादा होता था। तो वैज्ञानिक तरीके से क्या किया, वैज्ञानिकों ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और उत्तम किस्म के बीजों को निकाला और उसके अनुवांशिक गुणों द्वारा क्या किया, बीजों में बहुत ज्यादा वृद्धि किया और वृद्धि करके क्या किया कि उत्तम किस्म के पौधों को तैयार किया और उनसे फसलों को तैयार करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, किसानों को फायदा होने लगा। ये एक उदाहरण था। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि अनुवांशिक का मानव कल्याण पे क्या संबंध है। तो सबसे पहला संबंध यही है कि इससे क्या होता है कि मनुष्य किसी भी ऐसी प्रजाति को विकसित करती है जिसका अस्तित्व खत्म होने वाला है। उदाहरण के लिए हम लोग देखिए, कलम करके बहुत सारा गाछ लगाते हैं, बहुत सारा पौधा लगाते हैं, यानी बहुत सारे घर में बहुत सारा फूल उगा सकते हैं हम लोग। यही अनुवांशिकता गुण के कारण क्या होता है, इसमें एक जीव के या एक पादप का किसी टहनी को या किसी चीज को आप एक ऐसे प्रक्रम के द्वारा तैयार करते हैं जिसमें क्या होता है, उसी की प्रजातियों के फूल या उसी की प्रजाति के फल या कोई भी चीज वो बढ़ते रहता है। अगला चीज जाते हैं इसमें, अगला कल्याण, अगला जो इसका ये है कैसे बताएंगे। देखिए, अगला जो फॉर्मेट है उसमें बताया जा रहा है दो नंबर में, या आप दूसरा नंबर जो पॉइंट है उसमें बताइएगा कि अनुवांशिक गुण जो होता है इसके कारण हमें पर्याप्त मात्रा में क्या खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। आज देखिए, आप मार्केट में, आपके एरिया में उतना आम नहीं है लेकिन बाजार में बहुत सारा आम है। ठेला में आम होता है क्या? नहीं होता है ना। वो आम कहाँ से आ रहा है? अनुवांशिक गुण के कारण आ रहा है। गर्मी आने वाली है, बहुत सारा एकदम पूरा बाजार में आम भरा हुआ रहेगा लेकिन आपके अगल बगल में उतने आम पेड़ है नहीं, तो कहाँ से? और आम बीज जब जो है सब सस्ता मिलता है, क्यों? ये अनुवांशिक गुण के कारण ही संभव है। तीसरा फायदा क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जितने भी प्रजाति जो पृथ्वी में खत्म होने वाली है, जो पादप संस्थाएं खत्म होने वाली है, पादप जो पृथ्वी में अब लास्ट पोजीशन में है उन्हें बचाया जाता है। आज देखिए, आप सेब देखिए कहाँ लगता है, कश्मीर में, ठंडे इलाकों में, लेकिन आज बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ अनुवांशिकता के कारण वहाँ भी सेब उगाया जा रहा है जो उसके जलवायु के अनुरूप नहीं आते हैं। ग्रीन हाउस बना करके वहाँ पर कई तरह के अंगूर के पौधे, सेब के पौधे को तैयार किया जा रहा है और एक बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंस एकदम एग्रीकल्चरल रूप से क्या किया जा रहा है, इसको तैयार किया जा रहा है और तैयार करके एग्रीकल्चर रूप से तैयार करके लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। और अनुवांशिक से क्या होता है, अनुवांशिक गुण से मनुष्य का सबसे अधिक उपयोग क्या हो रहा है कि मनुष्य में किसी भी तरह का अगर कोई भी फिजिकली डैमेज होता है तो उसको क्या किया जा रहा है, उसको सुधारा जा रहा है। अनुवांशिक गुण के कारण आज हम हर प्रकार की बीमारी जो फ्यूचर में हमारे साथ होने वाली है उनका पता लगा सकते हैं। जैसे आप एक अगर इसमें टेस्ट कराते हैं तो लगभग 10 से 20 हजार, कभी कभी 1 लाख तक खर्चा होता है। आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस साल में किस तरह की बीमारी से सामना करना होगा और आपके आने वाली पीढ़ी किस तरह से तैयार होगी। ये सभी अनुवांशिक गुण के लक्षण होते हैं जिनसे मानव कल्याण हो रहा है और यही सब जो है अनुवांशिक गुण के कुछ मुख्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन जो है ये कहता है कि अनुवांशिक की परिभाषा दे, इसमें मेंडल का मुख्य योगदान क्या था। देखिए, मेंडल जो थे, जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1822 और 1842 के बीच में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने यह ज्ञात किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, दो मटर के पौधे लिए थे, दो तरह के। एक मटर का पौधा जो था वो लंबा था, उसका गुण था कि वो लंबा था, लंबा पौधा था, और दूसरा जो था वो झाड़ीनुमा था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बौना पौधा। और इन दोनों मटर का जो साइज था वो गोल था, लेकिन जब इनके बीच में क्रॉस बॉन्डिंग करवाया गया, क्रॉस बॉन्डिंग जब करवाया गया ना, तो क्या पता चला कि इसमें वही गुण ज्यादा दिखा
जो प्रभावी गुण था वही दिखा और जो अप्रभावी था उसे छुपा लिया गया। इसके द्वारा पौधों के द्वारा दूसरा क्या तरीका था, दूसरा इसमें उन्होंने यह ज्ञात किया कि अनुवांशिकता जब होती है ना तो यह दो जो ये होते हैं हो सकते हैं कि दो जीनों के साथ हो जाते हैं लेकिन उसमें एक ही जीन प्रभावशाली होता है दूसरा प्रभावशाली नहीं होता है। एक ही जीन के द्वारा नए पौधों का या नए बीजों का जन्म होता है, दूसरा जो होता है वो अप्रभावी होता है। ये डिपेंड करता है उस जलवायु पर, उस मृदा पर जिस पर इसको उगाया जाता है। तीसरा ये हुआ कि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये पाया कि जितने भी नए पौधे हो रहे हैं या जितने भी नए किस्म के फसलें तैयार हो रही हैं वो सेम उसी टाइप की है जिस तरह दोनों का क्रॉस बॉन्डिंग करवाने से पहले था। तो इससे यह पता चलता है कि कहीं भी गुण में परिवर्तन नहीं होता है, बस जब वो तैयार होता है तो उसके बाद पता चलता है कि उसके साथ किस तरह की परिघटनाएं हुई है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है बहुकोशिक जीवों में जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि क्यों आवश्यक होता है। देखिए बहुकोशिक जीव मतलब जिसका शरीर या जिसका आकार बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिली हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली जब बहुत सारी कोशिकाएं तो उसे तैयार होने में बहुत सारा समय लगेगा। एक देखिए जब एक छोटा सा जीव जन्म होता है तो उसको मान लीजिए कि एक गाय बछड़ा देती है तो देखिए वो बछड़ा जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, उसको मुश्किल से 2-3 घंटा में वो खड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक इंसान के बच्चे को खड़ा होने में कम से कम नहीं तो नहीं साल भर का समय जरूर लगता है ना। एक देखिए गौर करना होगा कि दोनों का टाइम एक ही है, 9 महीना का एक वर्क लेता है, एक पीरियड लेता है जब माँ के कोख में बच्चा रहता है। लेकिन जटिलता यही पर तो है जब एक कोशिकीय जीव को तुरंत देखते नहीं है कोरोना वायरस फट बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है क्या नहीं, उसी तरह आप बहुत सारा ऐसा कीड़ा होता है मच्छर भी बहुत सारा होता है, एक मच्छर 72,000 अंडा देता है, कितना अंडा देता है क्या नहीं, तुरंत वो लोग बढ़ जाता है। लेकिन उनका कोशिकाओं का आकार या कोशिकाओं का साइज या वो सब कोशिकाओं की संख्या कम है, लेकिन एक मनुष्य के बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना का टाइम लगता है क्योंकि माँ के गर्भ में उसको लगातार नई नई कोशिकाओं द्वारा जोड़ा जाता है, नई नई कोशिकाएं उसमें विकसित होती है और वो विकसित होकर के क्या करती है, नए जीव का निर्माण करती है। तो ये एक जटिल क्या होता है, जटिल प्रक्रम होता है जिसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में एकदम प्राकृतिक रूप से इसको ढाला जाता है, तैयार किया जाता है, क्योंकि ये एक कोशिकीय नहीं होती है, एक कोशिकीय तुरंत तैयार हो जाता है, वो कोशिकीय में क्या होता है कोशिकाओं का नया कोशिकाओं का जन्म होता है और इसमें साथ ही साथ अनुवांशिक गुण भी जाते रहते हैं, अनुवांशिक गुणों का भी संचार होता है, माँ के शरीर से पोषण मिल रहा है बच्चे को, वो सभी चीज के कारण बहुकोशिकीय जीवों में जनन जो होता है जनन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल होती है। आपको ये भी ज्ञात करना होगा कि बहुकोशिकीय जीव में जो जीव जन्म ले लिया उसमें फिर एक्स्ट्रा कोशिकाएं तब विकसित होगी जब उसका शरीर को आवश्यकता होता है, जबकि एक कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता। एक कोशिकाएं क्या होती है, हाइड्रा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया जितना होता है ये सब क्या होता है, ये सब टूटते जाते हैं बिखरते जाते हैं और धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। लेकिन कभी देखें क्या एक बच्चा खड़ा है तुरंत वो डुप्लीकेट जैसे ये आ गया वैसा हो जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना वैसा, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो एक जटिल कोशिका द्वारा बना है, उसका बाह्य संरचना बहुत ज्यादा मजबूत है, उसे अलग नहीं किया जा सकता है या उससे अलग होके नहीं बनेगा, उसको बनाने के लिए माँ के गर्भ में जाना हो, माँ के गर्भ से ही वो नया जन्म हो सकता है। इस तरह से जटिल इसको माना जाता है कि बहुकोशिकीय जीवों में जनन बहुत जटिल होता है। और अगला क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका, अपमार्जक या अपघटन ये चीज होता क्या है। देखिए जब तक मान लीजिए ये दुनिया में बहुत सारा मोबाइल कंपनी है, सब मोबाइल बना रहा और सब मोबाइल क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोग पुराना मोबाइल फेंक रहा नया मोबाइल ले रहा, पुराना मोबाइल को फेंकते जा रहा नया मोबाइल लेते जा रहा, तो इससे क्या होगा, एक घर में कम से कम अगर 4 आदमी है तो उसके पास 40 फोन निकलेगा ना, क्योंकि इतना ज्यादा ये हो जाएगा, इतना ज्यादा कचरा हो जाएगा कि मोबाइल कूड़ा के भाव में बिकने लगेगा। सेम यहाँ पर उसी तरह है, अगर परितंत्र में अपमार्जक ना हो, परितंत्र में अपघटन प्रक्रिया ना हो तो क्या होगा पता है, पूरा दुनिया जो है कचरा का ढेर बन जाएगा और रिसाइकल या फिर आप बोल सकते हैं इसको पुनः चक्रण होने के कारण क्या होता है, पृथ्वी में प्रकृति संतुलित अवस्था में रहती है, और संतुलन बना करके ये अपने आप को क्या करती है, अपने पर्यावरण को सही रूप से तैयार रखती है। मान लीजिए कि एक जीव जो है मर गया और वो जमीन में खुला पड़ा, वो सड़ ही नहीं रहा है,
जैसा का तैसा रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, मलबा बढ़ेगा ना, और जब मलबा बढ़ेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, और इस तरह का अगर मलबा ज्यादा हो गया तो क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी की मृदा या बोल सकते हैं पृथ्वी का वातावरण प्रदूषित होने लगेगा। इसीलिए पृथ्वी में अपमार्जक का होना काफी जरूरी होता है। अगर अपमार्जक ना होगा तो जो ये पुनः चक्रण की प्रक्रिया है ये वहीं का वहीं रुक जाएगा। मान लीजिए कि इंसान मरता है, गाड़ दिया जमीन में, वो नहीं सड़ रहा है जैसा का तैसा रखा हुआ, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये पॉल्यूशन बढ़ाएगा ना, धीरे धीरे क्या होगा कि पूरा पृथ्वी प्रदूषित हो जाएगी। और इस प्रदूषण से बचने के लिए अपमार्जक का होना काफी जरूरी है। आपको आहार श्रृंखला का पता होगा ना, आहार श्रृंखला कैसे था, मान लीजिए कि घास है, घास को खाया कौन, हिरण, हिरण को खाया कौन, शेर, शेर शेर मरा तो शेर को कौन खाया, गिद्ध, अब गिद्ध गिद्ध मरा तो गिद्ध को कौन खाया, कीड़ा मकोड़ा खा गया, फिर कीड़ा मकोड़ा मरा तो फिर कहां चल गया, वो जमीन में, फिर जमीन से फिर से घास, बात समझ में आ गई। तो इस तरह रिसाइकल में अपमार्जक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपमार्जक इस जगह पे बहुत मुख्य रोल्स पे काम करते हैं। तो आज का क्लास, आशा करते हैं कि आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए।